सगड़ी तहसील क्षेत्र के मसोना गांव की रहने वाली पीड़िता ममता के पति हरेंद्र ने अपनी सास के पहले पति के लड़के बेचू पुत्र रामकुंवर पर फर्जी तरीके से अपने हिस्से की जमीन को बेचने का आरोप लगाया है। पीड़िता ममता ने बताया कि मेरी सास की दो शादियां हुई थी, जिसमें मेरी सास के पहले पति का लड़का बेचू पुत्र रामकुंवर है, जो सेठा कोली का रहने वाला है। मेरी सास की शादी पहले रामकुंवर से हुई थी और रामकुंवर से एक लड़का बेचू हुआ था, पर जब मेरी सास के पहले पति मर गए तब घर वालों ने मेरी सास की दूसरी शादी की। दूसरी शादी ग्राम मसोना में रामवृक्ष से हुई, जो कि अजमतगढ़ नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, और हमारे ससुर से दो लड़के पैदा हुए, जिनमें बड़े भाई महेंद्र और छोटे भाई हरेंद्र हैं, और हरेंद्र मेरे पति हैं, और मेरी सास के पहले पति के लड़के बेचू ने फर्जी तरीके से हमारे पति के हिस्से में आने वाली जमीन को अपने नाम कराकर 40 लाख रुपए में बेच डाला है। शासन प्रशासन ने लगाई न्याय की गुहार। क्या नाम है आपका? ममता। क्या मामला है पूरा? मामला यही है सर कि हमारी सास जो थी उनकी शादी हुई थी दूसरी, यहाँ जैसे पहले शादी हुई थी उनकी सेठा कोली, वहाँ से गए थे, तो उनकी शादी यहाँ पे हुई है ग्राम मसोना। हम ग्राम मसोने से बोल रहे हैं सर कि उनकी शादी जब यहाँ हुई तो यहाँ दो पुत्र हुए, हरेंद्र महेंद्र। मैं हरेंद्र का पत्नी हूँ। और वो लोग क्या नाम है जो वहाँ के रहने वाली थी, जो सेठ वहाँ से सेठा कोली के रहने वाली थी, और उसके बाद वहाँ एक पुत्र था, वो पुत्र यहाँ गलती फर्जी तरीके से उसका नाम बेचू है, और फर्जी तरीके से अपना जमीन किसी तरह नाम चढ़वा लिया है। कहाँ पे चढ़वा लिया? इस गांव में आके मसोने में आके चढ़वा लिया है। चढ़वाने के बाद वहाँ से यहाँ बेच दिया है, 40 लाख में बेच दिया है। बेचने के बाद यहाँ से घर द्वार छोड़ के भाग गया है, भाग गया है। और उसके बाद हमारे जो पति हैं हरेंद्र, उनके नाम नहीं है, उनका नाम हटा दिया है। अब हमको हमारे तीन बच्चे हैं, हमारे बच्चियों लोग के कोई ठिकान नहीं है, हम घर से बेदखल हो गए हैं। और रहने के बाद हम तो रोड पे आ गए, हमारा कोई नहीं, रास्ता नहीं निकल रहा है सर। हम SDM साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा हक दिलवाएं, दिलवाने के बाद भाई हमारे रहने की कोई व्यवस्था बनाएं। हम तो रोड पे आ गए हैं। अच्छा, आप जो है कि एक बड़े दो के हिस्सेदार हैं? जी, हम यहाँ के दो बच्चे, दो लड़के हैं, तो हम एक बटे दो के हिस्सेदार हैं, और फर्जी तरीके से करवा के यहाँ से भाग गया है। तो आपका हिस्सा वो बेच के भाग गया है? हाँ, हमारा हिस्सा भी, हमारे आदमी का नाम हटा दिया है। हटाने के बाद वो यहाँ से भाग गया है, बेच के भाग गया है। हम बताइए सर, हम कहाँ जाएं, किसके दरवाजा खटखटाएं, कहाँ हम तो बेघर हो गए हैं, बच्चियों को लेके हम किस गली जाएं। हम इसीलिए सब, हमारे तीन खाली लड़किए हैं, हम किस तरफ जाएं, कहाँ जाएं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। पता न कहिया का वो काम करा के आया, अपन वही चुपचाप पटा लो, अपन मेहरू मजा ले वो ले उनकी खातिन, लखा भीतर वो अपन काम कर। चोरी से लिखावला आया उठाए गाँव उठा लगावला, तो बाद में सबके सामने हाथ जोड़ा पंचायत में के खाली रहे हमके जगह दे चाहते प्रधान उर्धान आई ना सबके कहते जगह खाली रहे बल्कि हमके कही चाहिए ना हमके फर्जी तरीके से कैसे करवाए सबके भाई दादा कह के बोलेगी ना हमारे नाना ये बुआ है हमारे ससुर का वही नहीं। चोरी चौन की अंगूठा लगावा के पूरा खेतवा बेच दे एक अपन मातारिया से और पापा से कसिया कराके वसीयत करवा दी करा ले ल फर्जी तरह खाली अंगूठा लगा ले अपन पेंसिल के बहाना अंगूठा लगाई ले लगाई के ऊ अपन कोई आदेश के भाग गए लुकाया ले पता ना ओकरा त पता ना कि कहां हो। अच्छा, मरने के बाद पत्रकार साहब तब ऊ ई काम कइने कि मरने के बाद एक ये नाला जाई हम ही नाला के काफ के हमें पहले क्या ना जाने
ये देखे नहीं हमारे जाने उनके पूछती ना पौले रहा वो बेच के खा गए।